अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलो गाइस, आज हम बनाते हैं घर के रखे सामानों से सब्जी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए किचन में, तो हम लिए हैं एक बाउल, उसमें हम डालेंगे 1 कप भर के बेसन। बेसन को आप पहले छान लेना, उसके बाद इस्तेमाल करना। और उसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, छोटे छोटे टुकड़ों कटी हुई, इसको डाल दे रहे हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया का पत्ता, देखो धनिया का पत्ता चला गया। उसके बाद डालेंगे 3 हरी मिर्च काट करके, तीखा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के डाल दे रहे हैं अजवाइन, ये हमारे पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए उसको डालना बहुत ज़रूरी। और थोड़ा डाल दें हींग, 1/4 चम्मच डाल दें हल्दी पाउडर, और थोड़ा डाल दें धनिया, और थोड़ा सा जीरा डाल दिए 1/2 चम्मच, ये स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दें नमक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला ले रहे हैं चम्मच से, ताकि सारी चीज़ें हमारे अच्छे से मिल जाएं। तो वह सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल गई। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाएंगे, यह नॉर्मल पानी है, इसको हम चम्मच से मिलाते हैं। अब हाथ से मिलाएंगे, चम्मच से सही नहीं मिल पाएगा ये, तो इसलिए इसको हम हाथ से अच्छे से मिला देंगे। तो वह हाथ से अच्छे से मिला देंगे इसको, तो इसको हम मिला दिया। अब इसको हम मिलाने के बाद उसको हम ढक के रख देंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए। देखो उसको हम 10-15 मिनट के लिए रख दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलते हैं मसाले को पीछे। तो जिनवाली लहसुन, अदरक, टमाटर और 1 प्याज, ये सब चीज़ों का हम पेस्ट बनाऊंगे। तो देखो सारी चीज़ें हम जार में डाल दी हूँ। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, बस इतना चीज़ डालना। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम पेस्ट लेंगे, यानी पेस्ट बना लेंगे। देखो पेस्ट हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। देखो बना लें पेस्ट। अब इसको साइड में रख देते हैं। दोबारा चल रहे हैं अब हम, देखो ये तड़का के लिए प्याज काट के रखी हूँ। तब चलें, चलो हम गैस जलाते हैं। गैस जलाने के हम पकौड़ियों को फ्राई करेंगे। तो देखो गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई, आप चाहे तो कढ़ाई ले सकते हैं या फ्राई पैन। अब इसमें हम डाल दें रिफाइंड ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि फ्राई करने में अच्छे से आ जाएं सारी पकौड़ियाँ हमारे इसमें, और अच्छे से पके भी। देखो तेल हमारा जब गर्म होगा तभी उसमें हम डालूंगी, तभी हम चल रहे चेक कर रहे हैं। देखो इसको हम खोल के ले आई हूँ अब बेसन को, तब इसमें हम थोड़ा सा डाल के चेक कर ले रहे हैं। देखो तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल दे रहे हैं तो छोटे छोटे ऐसे पकौड़ियाँ काट के। देखो ऐसे इसको डाल दे रहे हैं, जितना तेल के अंदर आएगी उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, पर थोड़ा ही डालना है। वो चारों तरफ बड़े सारा बेसन हमारा इसके अंदर आ गया है, जो बना रखी थी हम घूम के, एक ही बार में सारा डाल दिए। बेसन में से हाथ को साफ कर ले रहा हूँ और इसको रख दे रहे साइड में। और इसको पलट पलट के फ्राई करूँगी ताकि अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाए, बस हल्का गोल्डन होंगी, ज़्यादा एकदम ब्राउन नहीं करूँगी। ऐसे चला चला के इसको हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखो ये हमारी पकौड़ियाँ फ्राई हो गई, अब इसको इसे हम निकालेंगे। तो ये छन्नी ली उसे निकाल लूँगी। जो सारी पकौड़ियाँ हमारी निकल गई, बहुत मस्त बनी, एकदम करारी बन गई है। तो इसी सेम कढ़ाई में हम चले, अब इसको गैस पर रख दी हूँ, इसमें हम सब्जी बनाऊँगी इसी में। तब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, फ्राई करी हूँ रिफाइंड तेल में, और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो 1 बड़ा चम्मच भर के डालूँगी तेल, तेल जब हमारा गर्म होगा तो इसमें हम तड़का डालूंगी। तो देखो तड़के के लिए लिए हम 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का लकड़ी और 2-3 लौंग और जीरा और प्याज 1 मीडियम साइज़ की। तो सबसे पहले हम ये साबुत मसालों को डाल दूंगी, जब ये थोड़ा पक जाएंगे इसको थोड़ा पका लूंगी, तब इसमें हम डालेंगे प्याज को, अभी नहीं डालेंगे। चम्मच में थोड़ा पानी लगाई है, तड़ तड़ की आवाज़ आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज को, देखो सारी प्याज हम डाल दिया, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखो इसको चला रहे हैं इसे अच्छे से, देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें हम जो पेस्ट बना के रखे ना उसको डालूँगी, देखो ये पेस्ट चला गया इसके अंदर, इसको डाल के अच्छे से चला दूँगी। अब इसमें डालूँगी मसाले, तो सबसे पहले इसमें हम डालूँगी ये जारपल धो कर डालूँगी, तब वो जारपल धो ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी मसाला लगा हुआ है, इसको धो कर डालूँगी। इसको डाल देते हैं, उसके बाद मसाले को डालूँगी, अभी नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच,
एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और दो चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया, एक चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि अच्छे से कलर आए इसमें। ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे इसमें हम, बस डाल के इसको अच्छे से हम चला देंगे। चलाने के बाद इसको हम ढक देंगे धीमी गैस पे, इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाला हमारा पके। देखो धीमी गैस पे मसाला हमारा पक रहा है। देखो अब इसको हम खोल के एक बार चला ले रहे हैं, नहीं कहीं जलने लगे मसाला हमारा ये। इसको चला के हम दोबारा ढकेंगे, इसे चला दे रहे हैं। अब इसमें हम दोबारा ढक्कन लगा दे रहे हैं ताकि मसाले में खुशबू अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकले। देखो इसको दोबारा से हम चेक कर ले रहे हैं। तो देखो अब इसमें डाल दे रहे हैं एक चम्मच गरम मसाला और दो एक चम्मच भर के डाल रहे हैं कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। देखो इसे चला चला के इसको हम भूनेंगे। जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं हुआ था तब तक इसको हमें भूनना। तो देखो इसको ऐसे चलाते नहीं, देखो तेल अलग होना शुरू हो गया, इसका मतलब कि मसाला हमारा पक चुका। तब इसमें हम डाल देंगे पानी। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कर सकते हैं कम या ज़्यादा, तो हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अभी जब पकौड़े डालेंगे ना तो सारा सोख कर जाएंगे। तो देखो अब ढक के इसको हम पका रहे थे, इसमें बॉईल आ गया। अब इसको हम थोड़ा चला देंगे। और दोस्तों वीडियो हमारी कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को हमारी लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा दें ताकि जो नए वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए, ये बिल्कुल फ्री है। अगर कुछ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना बस। देखो ये हमारे ग्रेवी तैयार हो गई है, इसमें हमें पकौड़े को डाल देंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन लगती है, आप इसको चावल या रोटी के साथ खाओगे ना बहुत बेहतरीन लगती है खाने में। बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएगी। एक बार आप इस तरीके से हमारे तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत बेहतरीन लगेगी सब्ज़ी है। तब इसको हम ढक के पकाएंगे, सारे पकौड़ों को डाल के हम चला दिए और इसको धीमी गैस पर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए बस, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। वाह क्या खुशबू आ रही है, देखो बहुत मस्त बन गई सब्ज़ी हमारी। अब ज़्यादा देर नहीं इसको पकाएंगे, नहीं तो ये सूख जाएगी ज़्यादा तो नहीं अच्छी लगेगी। तो इसको अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया का पत्ता थोड़ा सा और डाल के ढक देंगे बस 1-2 मिनट और इसको हम पकाएंगे इसे बस। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। देखो 2 मिनट इसको पकाने के बाद हम गैस बंद कर दे रहे हैं, इसको हम सर्व करेंगे। तो चलो अब सर्व कर लेते हैं इसको हम। देखो कितनी मस्त बनी हुई सब्ज़ी, बहुत बेहतरीन लग रही और खाने में तो बहुत ही लाजवाब लगेगी ये। तब इसको हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। आप चाहें तो थोड़ा इसको गाढ़ी बना सकते हैं, हम थोड़ा पतली बना क्योंकि हमें चावल के साथ भी खाना है इसको। तो इसी तरह से गाइस आप भी बना कर ट्राई कीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना और वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।